स्वागत है आपका हमारे शो तब से अब तक में। आज हम आपको एक बेहद ही खास मेहमान से रूबरू करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सो प्लीज वेलकम वीरेंद्र सक्सेना। हेलो सर, वेलकम टू द शो। नाइस। सर आप यूपी के मथुरा से हैं, तो मथुरा से दिल्ली आए आप और दिल्ली से फिर मुंबई, तो मथुरा से दिल्ली तक का जो सफ़र आपका था वो कैसा था? आप 1996 में दिल्ली आए थे? नहीं 76 में आया था। 1976 में मैं बेसिकली मेरे मथुरा के दो सीनियर्स जो हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे। एक ने तो पूरा पास आउट किया था, अनिल चौधरी, बेसिकली उन्हीं की वजह से मैं थिएटर में आया था। एक और थे दिनेश अग्रवाल, उन्होंने बीच में छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी चीज़ है, मेरा थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैं कभी थिएटर कर पाऊँगा, और थिएटर का इतना बड़ा बड़प्पन भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैं एक राजा महेंद्र प्रताप थे जो वृंदावन के थे, अच्छा। उनका सेक्रेटरी बन करके मैं एक बार दिल्ली चला गया था, अच्छा। तो जब मिलने के लिए अनिल चौधरी के पास गया तो उन्होंने कहा मेरा एक नाटक है, शुरू कर लो। तो वो मेरा पहला नाटक था, इन्ना की आवाज़, और उनकी वजह से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बस। तो 1976 में जब आप दिल्ली आए थे तो उसी दौरान आप रुक गए दिल्ली में? फिर मैं राजा साहब के साथ करीब 1.5 महीने रहा, फिर उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो राजा साहब मूव करते रहते थे। उनकी कई जगह पर थी, वृंदावन थी, दिल्ली में और मसूरी में भी उनका एक बंगलो था एक, लेकिन मैंने वहाँ जाने से मना कर दिया। मैंने कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं थिएटर करूँगा। तो ये चीज़ कब आया आपके दिमाग में? मथुरा में थे आप चार भाई बहन हैं, आप सब चार भाई बहन, तो आपके दिमाग में ये चीज़ कब आया कि आपको थिएटर ही करना है? ये तो मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। मुझे तो लगता था कि मैं भी कोई आम आदमी की तरह कहीं थी होटल बम्बे किसी ऑफिस में कोई क्लर्क होऊंगा या थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी जगह पर होऊंगा। एक बार एक प्रोफेशनली ऑफिसर्स का एग्ज़ाम भी पास कर लिया था मैंने, अच्छा, स्टेट बैंक का, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा टेंशन हो गया था, वो भी नहीं हुआ। तो मैं तो यही सोचता था, लेकिन जो भी, इसलिए तो मैं घबरा करके राजा महेंद्र प्रताप का सेक्रेटरी बन करके चला गया। मुझे लगा कि ये शहर बहुत छोटा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शहर है, थोड़ा सा रिलीजियस शहर है, और ज़रा ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं। जब वहाँ गया और अनिल चौधरी ने मुझसे एक काम कराया तो वो लोगों को बहुत पसंद आया थोड़ा सा, और एकदम एक नया सिलसिला शुरू हो गया। फिर अनिल भाई ने मेरे को एम के रैना से मिलवाया, एम के रैना के साथ मेरे एक नया ग्रुप शुरू, नहीं नहीं वो एन के शर्मा है, एम के रहना की बात कर रहा हूँ, प्रयोग करके हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, अच्छा। उससे हम लोगों ने सबसे पहले शुरू की थी एक जुलूस करके, एक बादल सरकार का प्ले था जो कि हम स्टेज प्ले करते थे, उसके हमने करीब बहुत सारे मेरे ख्याल से 700-800 शोज किए होंगे हमने। तो ये सिलसिला कब तक चला सर? मैं आया हूँ 78 में यहाँ पे बॉम्बे, बॉम्बे, लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी यहाँ के काम करता रहता था थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उससे पहले भी मैं 3-4 फिल्में कर चुका था, अच्छा, ऐसा नहीं, दिल्ली रहते हुए भी। ओके, तो दिल्ली से बॉम्बे प्रॉपर शिफ्ट होने का कब आपने सोचा, कैसे सोचा? यार मैंने एक सीरियल किया था जिसका नाम था, बाद में फिल्म में भी बन गया, तमस। ओके। और तमस के दौरान मेरा काफ़ी सारा एक नाम सा हो गया था, मैं बहुत अखबारों में छप रहा था, मैगजीन्स में छप रहा था, काफ़ी सारे इंटरव्यूज आ रहे थे। तो मैं फिर भी उसके बहुत दिनों बाद आया, 86 की बात है, मैं आया हूँ 88 में, मैंने बहुत तरह गैप लिया, और मुझे लगा कि अरे यार मैं नहीं जाऊँगा दिल्ली में, तो मैं नहीं जाऊँगा बॉम्बे, दिल्ली जा करके काम करूँगा, अपना थिएटर करूँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की ज़िंदगी नहीं चल सकती थिएटर से, अभी हमारे यहाँ उस तरीके का प्रोफेशनल थिएटर होता भी नहीं है, और अभी बहुत मुश्किल भी है, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन कभी अभी थोड़ा सा माहौल बनाए, काफ़ी माहौल बनाए, एकदम चेंज आए, लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ है थिएटर को लेकर के। भाई ये है कि दिल्ली में भी ऐसा नहीं हो पा रहा, ये बड़ा बुरा है, जबकि दिल्ली तो मथुरा मतलब हिंदी थिएटर की एक बहुत के लिए जानी जाने वाली जगह है, वहाँ भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ का भी कोई प्रोफेशनल थिएटर है नहीं, हो नहीं रहा। अगर दिल्ली में कोई बहुत अच्छा कोई काम करता है तो मैं थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ एन के शर्मा को, एक्टर वाले को, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी देता है, बहुत अच्छा, एक अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। तो सर दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र जो था आपका, कितना मुश्किल या आसान रहा? मतलब मुंबई में आपने आके शुरुआती दिनों में क्या क्या किया? बड़ा आप टोप भी चला के आ जाओ ना कहीं बाहर से, तब भी बम्बई में आकर के आपको दोबारा से वैसे ही शुरू करना पड़ता है, ABCD से। हुआ ये बार इतना था कि थोड़ा सा लोग मुझे जान गए थे,
भट्ट साहब ने एक बार मुझे बुलाया था, मैं दिल्ली में था और मेरे तक उनकी खबर नहीं पहुंची। मुझे एक फिल्म छूटी, फिर मैं बम्बई आकर उनसे मिला, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे नहीं होता है, तुमको बॉम्बे में एक बेस बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा, मेरे भी दिमाग में बड़ी बात है कि इनकी बात तो सही है, तो फिर मैं यहाँ आ गया। इसलिए भट्ट साहब की मैं बहुत करीबी रहा हूँ एक वक्त में, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया। वही थोड़ा सा लोग जानते थे, जानने लगे थे, तब उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जानते थे और थोड़ा अखबारों में छपता छपाना भी चलता था, लेकिन सब कुछ शुरू उसी तरीके से हुआ। उस दौरान सर इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो आप डायरेक्टर्स को या कैसे मतलब आप अप्रोच कैसे? एक बात मेरे साथ बड़ी अजीब रही है, मैंने कभी किसी से काम नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, मतलब मैं कभी किसी के ऑफिस काम मांगने के लिए नहीं गया। इसलिए मैं थोड़ा कम काम भी करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सक्षमता नहीं हूँ। मुझे बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि रोज़ कुछ पैसे कमाने चाहिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, छोटा भी काम कर लेता हूँ, बड़ा भी कर लेता हूँ, कम पैसे में भी कर लेता हूँ, बहुत सारे पैसों में भी कर लेता हूँ, बहुत सारे अच्छे लोगों के लिए फ्री में भी काम कर देता हूँ, लेकिन करता अपनी मर्जी से हूँ। मेरे को ये सिस्टम ठीक नहीं लगा कि मैं किसी के पास जाऊँ और काम करूँ और बताऊँ कि सर मैं कितना महान आदमी हूँ, पता नहीं हूँ कि नहीं। वो सारा सिलसिला मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मुझे लगा कि नहीं, आप काम करते रहिए, आप सर्किल में आएंगे, सर्कुलेशन में आएंगे, लोग आपको जानेंगे, जिसको आपकी ज़रूरत होगी वो आपको बुलाएगा। अगर कोई बुलाता है तो मैं फ़ौरन चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मुझे बुलाता है मैं आपके ऑफिस आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मुझे बुलाया है। अगर आप ये चाहें कि मैं आपके ऑफिस आकर के कहूँ कि मुझे काम दीजिए, वो मैंने नहीं किया, मैंने भट्ट साहब तक के साथ नहीं किया। हर आदमी एबल्ड होता है, हो सकता है वो डिफरेंटली एबल्ड हो, मतलब हर आदमी ब्यूटीफुल नहीं होता, शक्ल की ब्यूटी की बात थोड़ी है, आप और बहुत सी तरीके से ब्यूटीफुल हो सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत हो सकती है, आप में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हो सकती हैं जो कि बहुत सुंदर हो। शक्ल पे क्या जाना, हमारी शक्ल क्या थी, काम तो करती ही है ना यार, सब कुछ करती है, तो इसलिए वो कोई चीज़ को मान्य नहीं रखना चाहिए। और ये आजकल के मेरे ख्याल से माँ बापों को सोचना भी चाहिए कि अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, उनको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जब छोटा था तब तक मेरी वो सिस्टर है नहीं, एक ही सिस्टर थी सबसे बड़ी, मैं उसके साथ इसलिए नहीं जाता था कि मेरी वजह से उसकी मजाक उड़ेगी, क्योंकि मैं काला हूँ, मैं डार्क हूँ, तो मैं सोचता था कि यार नहीं यार, छोटा था, अपनी वो उंगली पकड़ कर चलता था, तब मैं इतना कॉम्प्लेक्स था। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये कालापन तो आपको पैसे कमा कर देता है यार। आपने सर लगभग 150 फिल्मों में काम किया है, करीब 130 के करीब, मैं कह रहा हूँ विकीपीडिया में IMDB पे बहुत कम फिल्मों का आता है। अभी मैंने एक लिस्ट बनाई कि बहुत कौन सी फिल्मों का नाम उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा, मैंने कि यार फिल्में तो मैंने बहुत सारी की, इसमें तो बहुत कम दिखाई दे रही है। फिर मैंने एक दिन वो लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी फिल्मों का इसमें नाम नहीं है, तो मुझे करीब 20-22 तो याद आ गई, वो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है। कभी मैं लिखूँगा भैया, इन फिल्मों को भी मैंशन कर दूँ यार। देखिए, हर आदमी एक्टर होता है, हर व्यक्ति है ना, मैं उनकी बात नहीं करता जो कि एक्टिंग के प्रोफेशन में है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक्टर भी हैं, आप वो काम करिए जो रोल करिए जो कि आपको पसंद आए। किसी की फिल्म को मैंने छोड़ा, मैंने कि सर मैं इसमें फिट नहीं होता, मेरे को लेकर के आपको नुकसान होगा। उन्होंने कहा यार वीरू भाई आप, मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तेरे लिए कोई दूसरा, इसी फिल्म में मैं कोई दूसरा काम कर लेता हूँ, मुझे छोटा काम दे दे मैं कर लूँगा, ये काम में मैं फिट नहीं होता। कहीं तो एक उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, उतनी समझ भी होनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है एज एन एक्टर। आप हर जगह पर सी क्या है, अपन एक्टिंग में अपन क्या करते हैं, एक्टिंग में आप ने अपनी पूरी दुनिया में या पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया होता है ना, आपका वो एक्सपीरियंस ही दिखाई पड़ता है, आपकी वही सच्चाई दिखाई पड़ती है, वही ट्रुथफुलनेस आपकी फिल्म में, आपकी परफॉर्मेंस में दिखती है जो आपने एक्सपीरियंस की है। आप कोई भी करेक्टर बाहर से ओढ़ करके नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप जो भी करेंगे वो आपको, आपने कितना उसको अंडरस्टैंड किया, अपने अंदर ही उस करेक्टर को बड़ा करना पड़ेगा, तो वो ट्रुथफुल होगा, आपकी हर चीज़ जस्टिफाइड होगी। अगर मैं कहूँ कि नहीं कि एक मुझे एक चोर का रोल करना है और मैं एक आँख पे वो लगा करके पट्टी और धारीदार वो पहन करके जो एक चोर का एक सिंबल सा बन गया है करूँ, तो वो मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ, हो गया ना। एक है कि
मुझे अगर चोर करना है, चोर बनना है, और आपने मुझसे कहा वो पेन चुरा लाओ, तो मुझे एज वीरेंद्र सक्सेना, एज वीरू सोचना पड़ेगा भाई पेन चुराऊंगा कैसे, और मैं उस वक्त जो कुछ भी करूंगा वो सब जस्टिफाइड होगा, क्योंकि ये वो मेरे अंदर से आ रहा है और मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो वो ट्रुथफुलनेस लाने के लिए क्या वो हमेशा ट्रुथफुलनेस, आप जो भी करेक्टर करते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है, आपको पता नहीं लगता आप इनडायरेक्टली किसकी कॉपी कर रहे हो, कॉपी इन द सेंस कौन सा करेक्टर ऐसा है जो आपके अंदर इतना बैठा हुआ है जिसको आप सबकॉन्शियसली फॉलो करते हुए चले जा रहे हो और आप इस करेक्टर को प्ले कर रहे हो। और एक होता है कि आप बहुत कॉन्शियसली एक आदमी चलता चलते चलते ऐसा करके छाटा मार लेता है, तो अभी ये आप जब भी करोगे आपके पास एक आध बार हो सकता है नेचुरल वे में हो जाए, अदरवाइज हमेशा आपको बड़ा वो बनावटी सा लगेगा। आप अपने करेक्टर को छोड़िए, लर्न करके अनलर्न करना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप एक करेक्टर को समझते चले जाइए, आप जितना समझते चले जाएंगे आपकी बॉडी उसी तरीके से लूज होती चली जाती है, उसी तरीके से बिहेव करने लगती है, सारी चीज़ें अपने एक नेचुरल फ्लो में आती हैं और वो होती हुई चली जाती हैं। इसलिए मेरा देखने का तरीका है, बहुत गलत हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी थ्योरी में बिलीव नहीं करता, मैं अपने तरीके से चीज़ों को, स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट को पहली बार मैं ऐसा पढ़ता हूँ कि कहानी है, कहानी मुझे अच्छी लगी कि नहीं लगी, ठीक है, फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़ते मैं, अब चूंकि मुझे कहानी मालूम होती है तो करेक्टर्स पर ध्यान जाने लगता है कि कैसे कौन कौन सा करेक्टर कैसा है, फिर दो तीन बार सिर्फ मैं कहानी अपने लिए पढ़ता हूँ जिससे कि मुझे अपने मेरे करेक्टर की ग्रोथ पता लगे, कि चाहे भले पांच सीन हो, एक सीन, दूसरी, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनके बीच में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। और जब भी सीन करता हूँ तो जब मैं चौथे नंबर का सीन कर रहा हूँ तो मैं पहले एक दो तीन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं चौथा करूँगा, जिससे कि अगर कहीं दिमाग से निकल भी गया हो तो आप ये हुआ है आपके साथ, तो आप एक राइट नोट से उसको शुरू कर सको। सर, जब बात कैरेक्टर की हो रही है तो कैरेक्टर, जैसे आप अगर कोई कैरेक्टर मिलता है तो उस पर आप कितना, मतलब कैसे वर्क करते हैं, कि मतलब कैसे आपको लगता है कि जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं, आपको मालूम होता है जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, आप ईमानदारी से करते रहिए, अपने आप ही जस्टिफाई होगा। दूसरी बात, उसके मैंने फिर वही बोलता है, वही आ रहा हूँ, आप किसी करेक्टर की ऐसी प्रिपरेशन नहीं करते, अगर आप बहुत, आप करेक्टर को सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, आप उस करेक्टर के बारे में, अगर कोई करेक्टर है, कोई हिस्टोरिकल करेक्टर है या कोई ऐसा करेक्टर है जो किसी की आप मतलब किसी की बायोग्राफी बना रहे, आप उसको उतना पढ़िए, इतना समझिए कि आप में वो सब कुछ आ जाए, आप उसको बाहर से मत लाने की कोशिश कीजिए, उसको अपने अंदर से लाने की कोशिश कीजिए। तो वो एक प्रिपरेशन है, आप उसको प्रिपरेशन माने या नहीं, है मुझे लगता है आप एक करेक्टर को कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती उसको कर रहे हैं। थिएटर करना और फिल्में करना में क्या डिफरेंस है, जो आप एज अ एक्टर आपको क्या लगता है? जी, इन दोनों सारी जितनी भी आर्ट की विधा है ना, सारी एक दूसरे में आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी, स्टार्ट फ्रॉम पेंटिंग टू राइटिंग टू पोइट्री टू कहानी लिखना, नॉवेल लिखना, ये करना है ना, आप सब कुछ, आप और थिएटर, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। आप एक, जैसे कि उपन्यास है या एक कहानी है, उपन्यास मान लेते हैं, जैसे कि उपन्यास पढ़ते हैं आप, उसमें भी वो एक फिल्म बनाता है उपन्यास, एक छोटे से गांव में नीम के पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में एक आदमी रहता था, तो उसने एक पिक्चर क्रिएट की कि एक छोटा सा गांव है, उसमें एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे एक झोपड़ी है और उसके अंदर एक आदमी रहता था, तो आपका दिमाग फौरन एक पिक्चर बनाता चलता है, वो एक उपन्यास बनाता है। उस उपन्यास को हम थिएटर में लेकर के आए, जैसे ही अपन थिएटर में लेकर के आए तो अपन वो सारी चीज़ें नहीं ला सकते, वहाँ सारी चीज़ें शब्दों से हो रही हैं, राइटिंग में हो रही है, ठंडी हवा चल रही थी, ये उपन्यासकार लिख सकता है, पत्ते हिल रहे थे, ये उपन्यासकार लिख सकता है, बराबर से ऐसे करके वो ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब ये थिएटर में तो नहीं हो सकता है ना। थिएटर में आप एक माहौल बनाते हैं,
और थिएटर की सबसे बड़ी बात क्या है, थिएटर में आप इतने इमेजिनेटिव नहीं होते, आपसे ज़्यादा इमेजिनेटिव आपकी ऑडियंस होती है। वो जानती है कि वीरेंद्र सक्सेना कर रहा है नाटक, वो जानती है ये श्रीराम सेंटर है, वो जानती है कि ये शिमला नहीं है, लेकिन आपने चार चीज़ें ऐसी रख दी और नाटक के दौरान कहा कि शिमला में तो आजकल आज बड़ी देखो क्या अच्छी हवा चल रही है शिमला में, तो हर किसी को मालूम है हवा नहीं चल रही है, हर किसी को मालूम है ये शिमला नहीं है, लेकिन जो व्यूअर है आपका, आपकी जो ऑडियंस है, आप जो दर्शक है, वो फौरन उसको मान लेता है। इसलिए थिएटर में परफॉर्मेंस ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आपके पीछे वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को बड़ी बनाती हैं। आपके पास तो पीछे कटआउट्स लगे हुए हैं या कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिनकी की मदद के बीच में आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके अलावा एक और बात होती है कि थिएटर की ऑडियंस, थिएटर की आपकी परफॉर्मेंस लाउड होती है, उसकी ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि आप एक लिमिटेड लोगों को दिखा रहे हैं, 500 लोगों को दिखा रहे हैं, 700 लोगों को दिखा रहे हैं, एक हॉल में दिखा रहे हैं, आप चाहते हैं आखिरी वाला तक सुने, सब कुछ सुने, तो सब कुछ सुने, तो उसलिए एक पंपर, और चूंकि आप हमेशा एक लॉन्ग, एक बड़े फ्रेम में, एक वाइड फ्रेम में काम कर रहे हैं, कभी कभी आप पे एक स्पॉटलाइट आ गई तो आपको लगता है कि आपका वो क्लोजअप हो गया है ना, ऐसा तो नहीं ना ओवर शोल्डर कर दो, ओएस कर दो, ऐसा तो कट, तो वो सब कुछ आपको उसमें उसको दिमाग में रख के करना पड़ता है, इसलिए वो एक अलग किस्म की परफॉर्मेंस है। जैसे ही आप फिल्म में आते हैं, फिल्म की सबसे पहली डिमांड होती है, फिल्म में अगर आप कह देंगे ये शिमला है और आप बम्बई में शूट कर लो यारी रोड पर, वो कहेंगे ये शिमला नहीं है, वो कहेंगे नहीं, वो ट्रूथफुलनेस। फिल्म में फिर आप सच्चाई के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए उसकी सच्चाई की कहाँ, उसकी सच्चाई मैटर करती है लेंस से, ये लेंस कौन सा है आपका, कितना है, तो आपको इतने के बीच में ही परफॉर्म करना पड़ेगा। थिएटर में आप सारे हाथ भी दिखाई पड़ रहे हैं, पैर भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो एक सटलिटी आती हुई चली जाती है और आप हर चीज़ को बिलीवेबल बनाती है और एक ट्रूथफुलनेस रहती है। अच्छी फिल्म वही है जिसकी ट्रूथफुलनेस बची हुई है, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि आपको नहीं मालूम होता कि एक बार आपको फिल्म क्यों नहीं अच्छी लगी। एक बड़ी फिल्म है जिसके बारे में बता दूँ, है तो कई, एक फिल्म मैंने अभी, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉमर्शियल फिल्म है और मैं फिल्म को बड़ा एंजॉय भी कर रहा हूँ, मेरा एक दिन का काम और रह गया, फिल्म ख़त्म हो गई बेसिकली, वो है सुपर 30, एक आनंद करके एक शख्स है पटना के, जो आईआईटी बटे और ऋतिक रोशन इज डूइंग दैट रोल एंड आई एम प्लेइंग हिज फादर, एक इंटरेस्टिंग सा करेक्टर है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि फिल्म में मैं मरूंगा नहीं तब तक आनंद आनंद कैसे बनेगा, इसलिए ठीक है, लेकिन अच्छा इंटरेस्टिंग, और मैं बहुत खुश हूँ उस पूरी टीम से और डायरेक्टर से, खासतौर से इतना अच्छा खुला हुआ डायरेक्टर बहुत कम है, जैसे कि ये है विकास महल की बात कर रहा हूँ जिसके साथ सुपर थर्टी कर रहा हूँ, एक नीरज पांडे है, आप उसके साथ काम करें, आपको अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि खुले हुए हैं, आप उनसे सीधी बात कर सकते हो, यार मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कर लूँ कि हाँ हाँ करके देखो, हाँ ऐसे, अरे हाँ ठीक है ठीक है, अरे नहीं ये मत करना यार उसमें, वो ऐसा हो जाएगा, आप एक कम्युनिकेशन है, तो वो फिर आप देन यू स्टार्ट रिलिशिंग, उसको आप एंजॉय करने लगते हो कि यार नहीं यार यहाँ मज़ा आ रहा है। कई बार ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है जो कि पहले से ही अपने, उनको मालूम होता है क्या चाहिए, माइंड सेट उनका पहले से प्री कंसीव्ड होता है सारा कुछ कि नहीं ऐसा होगा, कर लो, तो आप फिर वहाँ टूल हो जाते हो, आप पपेट हो जाते हो, ऐसी वाली है ना। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस ऋतिक के साथ काम? बहुत अच्छा, वंडरफुल गाय, बहुत मेहनती, उस बेचारे ने पूरा अपना बिहारी सीखी है और बहुत मेहनत करता है, अभी उसका काम खत्म हो गया मेरे ख्याल से, अभी हम लोगों की अभी एक स्टडीज की पार्टी भी है, रैप पार्टी भी है। अच्छा, नए जो लोग अभिनय में आना चाहते हैं उनको आपकी क्या राय आप देना चाहेंगे सर? ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है इसलिए मैं इंजीनियर बनूंगा, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर इस फील्ड में आती हैं तो
थोड़ा सा तो चैनलाइज करके आना चाहिए अपने आप को, चैनलाइज इन द सेंस, अच्छा हुआ आप थिएटर करके आए। थिएटर करके आने में एक डिसिप्लिन आता है, एक डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन के अलावा एक टीम में बिहेव करना आता है कि अगर इस प्ले में हम 10 लोग हैं तो कौन कैसे है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरी एक डिसिप्लिन जो है थिएटर का वो आपको बड़ा मैटर करता है। तीसरी बात, आप बड़ा अपने आप को ओपन रखिए, हर चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा किसी चीज़ को जानेंगे वही बाद में आपकी परफॉर्मेंस में दिखाई पड़ेगा। चौथी बात जो कहूँगा कि खूब पढ़िए, अखबार भी पढ़िए, उपन्यास भी पढ़िए, और कोई भी घटना जो हुई है उसको जो आपको अच्छी या बुरी लगी है वो किसी को सुनाइए। जब तक आप सुनाएंगे नहीं तब तक आपके एक्सप्रेशंस आपको आपका साथ नहीं देंगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, अरे यार मैं वहाँ गया था यार इतना घटिया आदमी मिला यार मेरे को। अब आप अगर जब तक फील नहीं करेंगे यार बहुत घटिया आदमी था यार, दिमाग खा गया यार मेरा तो यार, तो आप ये तभी हो सकता है जबकि आप के साथ जो कुछ हुआ है आप उसी को बोल रहे हो। आप अगर ज़बरदस्ती में आपसे ये लाइन कहने को कह दूँ तो हो सकता है आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़े, और अगर सच में हुआ है तो आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप एक ओपन, या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या कोई भी बात आपको इंटरेस्टिंग लगी वो दूसरे के साथ शेयर कीजिए, बताना शुरू करिए, और थोड़ा सा लाउड होइए। बहुत से लोग बड़े चुपचाप रहने वाले होते हैं, बहुत चुपचाप ऐसे करके बात करते, नहीं, अपने आप की बात को कहना आना चाहिए। आप जितनी अपनी बात को लोगों के बीच में अपनी बात, नहीं सर एक मिनट प्लीज़ मुझे आपसे एक बात करनी है, आप में ये कहना आना चाहिए। अगर आप में नहीं आता तो आप ऐसे ऐसे करके कहीं धीरे धीरे करके कहीं ख़त्म हो जाएंगे। अपनी बात को कहना आना चाहिए, आप पर कोई एक स्टैंड होना चाहिए अपनी लाइफ में, और स्टैंड पर रहिए। आप गलत हैं तो फ़ौरन कहिए यार सॉरी यार मैं गलत था यार, और आप सही है कि सॉरी आप सर गलत हो मैं करेक्ट हूँ। ये तभी होगा जबकि आप अपने आप में विश्वास रखेंगे। विश्वास रखिए, एक फोकस रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और ऐसे मत मान के आइए कि ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी आसान नहीं है। ख़ासतौर से आप फिल्मों में आना चाहते हैं, याद रख के आइए अगर आप बॉम्बे आना चाहते हैं कि बॉम्बे शहर नहीं है, बाजार है, बाजार। आपको अपने आप को बेचना भी आना चाहिए और दूसरों को ख़रीदना भी आना चाहिए। अगर आप पर वो नहीं आता तो आप थोड़ा सा नुकसान में रहेंगे। यहाँ पे आपके 5 भी दोस्त हैं तो मान लीजिए आपने पूरा हिंदुस्तान जीत रखा है, कि यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अपना काम करिए, अपने काम के थ्रू जगह बनाइए, ईमानदारी से अपना काम करिए, जो आप जानते हैं वो करिए, बहुत अच्छा करिए, तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है शुरू में दिक्कतें हों, पैसे कम मिलें, थोड़ी सी परेशानियों का सामना उठाना पड़े, उठाइए, ये भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। आप ये करेंगे तभी आपका प्रमोशन तभी होगा ना। आपको 99 पहुंचने के लिए आपको नंबर 1, 2, 3 सब कुछ पास करते हुए जाना पड़ेगा ना, तो एक नंबर की सीढ़ी की जो परेशानी है वो भी आपको भुगतनी पड़ेगी। 2 पे कम होगी, 30 पे कम होगी। सुनाए सर जी, थैंक यू।